वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अर्थ सर्वाइवल वॉल के एक और खतरनाक एपिसोड में, जो कि है मेगा मॉडेट सीरीज का। तो गाइस, जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में याद होगा कि हमने टेम किया था द डायमेंशन पैरासोर, जो कि हवा में उड़ सकता है। अरे भाई, मेरे को उड़ा दिया तूने तो। अरे भाई, अरे अरे यार, उतना स्टार्टिंग में ही बेइज्जती। अभी नीचे आएगा तू? अरे भाई 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 भाई, रुको रुको रुको, इंट्रो खत्म नहीं हुआ है, रुको। भाई आजा, तेरी तो रुक, ये ऐसा नहीं मानेगा गाइस, ये ऐसा नहीं मानेगा। हमारा हमको पता है ये किस पे गया है। वो रहा पैरासोर, तो घूम रहा है। अरे आ गया, वेरी नाइस बबू, वेरी नाइस। रुक जा रे, अरे हरामी रुक जा। तो हम कहाँ थे गाइस? अरे भाई रुक जा यार, कतई रुक जा शांति से। हाँ तो गाइस, हम कहाँ थे? ये हवा में भी उड़ सकता है और डायमेंशन भी बना सकता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये शार्क वार्क पूरी पानी पानी गायब कर देगा, और ये इसकी रेंज है। ये जैसे फुल हो जाएगा ब्लू वाला, तो उसके बाद वापस पानी आ जाएगा। तब तक हमारे पास 30 सेकंड या 40 सेकंड का टाइम होता है। उसके बीच में हमें पानी में जाना हो या कुछ भी करना हो, एनीथिंग यू कैन डू। तो एक ये खासियत इसकी अच्छी लगी मुझे कि पूरा पानी ही गायब कर देता है। अभी पानी वापस आ गया। तो गाइस, आज हमारा मोटिव है एक, आपको ये दिख रहा होगा, बीटा टेमिंग ग्रिफिन। एक्चुअली मैं अभी देखो गाइस, हमने स्टार्ट कर दिया है, तो हमें एक ऐसा डायनो भी चाहिए होगा जो नॉक करे। प्राइमल फियर में आपने देखा होगा कि प्राइमल फियर में हमेशा नॉक्सिस वाले ग्रिफिन नॉक कर सकते थे, ठीक है। नॉक्सिस वाले एनी कोई भी डायनो नॉक करते थे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक डायनोज हैं टेमिंग वाले, जो कि आपको टेमिंग में हेल्प करेंगे। तो टेमिंग ग्रिफिन आज हम टेम करने वाले हैं, नाम भी कैसा, टेमिंग को हम टेम करने वाले हैं, टेमिंग ग्रिफिन को। उसके लिए हमें चाहिए है यूटिलिटी की एग्स। और आपको जैसा कि मैंने बोला था लास्ट एपिसोड में कि मैं बहुत सारे डायनोज टेम करके लाऊंगा, और ऑन वीडियो मैंने आपको 8 डायनोस बताया कि उसके बाद मैं पैड लेके आया था मैं उन सबकी। तो हमारे पास यूटिलिटी लगभग आ चुके हैं। वेट अ सेक, मैं दिखा देता हूँ आपको। यूटिलिटी हमारे पास 136 एग आ चुके हैं। तो हम बीटा यूटिलिटी केबल एक बना सकते हैं। तो आज हम एक बीटा यूटिलिटी केबल बना लेते हैं। ये रही, ठीक है। कुक मीट चाहिए, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कुक मीट होता रहेगा। और गाइस, अभी आपको ग्राफिक्स में कोई दिक्कत लग रही हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, बिकॉज मैंने पूरा ट्राई किया है कि देखो सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ मैं कि किस पे रखूं किस पे नहीं रखूं। आप तो प्लीज़ मुझे बता देना इस टाइम पे, क्योंकि आज का दिन था जब मैं लाइव में, आपने लोगों ने मुझे बताया था कि आपके प्राइमल मतलब अभी मॉडरेट के ग्राफिक्स अच्छे नहीं आ रहे, तो प्लीज़ यार बता देना हो सके तो। ये तो नॉर्मल है, ये है बीटा यूटिलिटी, ओके। हमें एक ही बनानी है, ज़्यादा हमें नहीं बसड़ मचानी है, तो एक हम ये ले लेते हैं। और गाइस, आज ये सारे डायनोस भी हम टेम करने वाले हैं। यूटिलिटी वाले डायनोस हमने टेम कर लिए हैं, तो फिर यूटिलिटी वाले चलो कोई ना, मैं बाद में देख लेगा। अरे गाइस हाँ, आज हमने ये सारे भी कंप्लीट करने हैं, तो हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका भी स्पॉइलर आ चुका है। 4 घंटे के अंदर ये स्पॉइल हो जाएंगे सारी की सारी। मुझे नहीं पता यूनिक केबल से क्या टेम होगा, बाकी नाइटमेयर से और रिसोर्सेस वाले कोई हमें डायनो टेम करने होंगे जो छोटे हों और हमें अच्छे खासे एग भी देते हों। तो आज हम टेम करने चलते हैं। और गाइस, मैं वहाँ पे आपको पहुँच के फटाफट से मिलता हूँ। तो गाइस, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच तो गए हैं, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कुछ ग्रिफिन्स हैं ऐसा मुझे लग रहा है।
तो इसलिए मैं अपने पेट्रा को सोल्व कर लेता हूँ। और इसका क्या है भाई, सब काम की चीज़ें। ओके तो ये है वो ग्रिफिन, पर मुझे इतना पक्का पता है कि अगर मैं यहाँ से भी जंप करके वहाँ जाएगा तो वहाँ पे सारे ग्रिफिन मुझे मारने आएंगे ही आएंगे। तो मैं ट्राई ऐसा करूँगा कि जिससे मुझे कोई ग्रिफिन मारने ना आए और मैं इसको टेम कर सकूँ। ये ऐसे भी फंसा हुआ है क्योंकि ये एक मारेगा मैं सो जाएगा, मेरे को पता था। ये एक भाई 7 लाख टॉर्च पड़े, आर यू किडिंग मी ब्रो भाई 7 लाख टॉर्च पड़े यार, 7 लाख भाई। मुझे मारो, कोई मारो यार, प्लीज मारो, कोई मुझे मारो, मारो मुझे, मारो कोई, मारो भाई, कोई मुझे मारो प्लीज, कोई मुझे मार दो, कोई मुझे जिंदा मार दो, कोई मुझे ख़त्म ही कर दो यार, कोई मुझे सच में ख़त्म कर दो यार, मुझे नहीं रहना जिंदा यार। 7 लाख टॉर्चपोर कहाँ से दूँ, और उसका टॉर्चपोर भी भाई फटाफट उतर रहा है, जल्दी यार। ये ऊपर से टॉर्चपोर चढ़ाए पे चढ़ाए जा रहा है भाई, मैं जिंदा ही नहीं रहना है, मेरे को जिंदा ही नहीं रहना है। मार दे मुझे। जल्दी मार 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 अरे कहाँ गया यार, मार दे, तेरा टॉर्चपोर भी उतर गया है, खत्म कर यार जल्दी, प्लीज 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 मार दे, जल्दी मार यार। ना ये मार रहा है ना ये उठने दे रहा है, कतई ज़्यादा हरामी है ग्रिफिन। मार बेटे मार, आज तेरा दिन है भाई, तू मार ले। हाँ ऐसे भाई, इसको तो मैं टीम करके रहेगा, कुछ भी हो जाए। तो मुझे क्या चीज़ बनानी है पड़ेगी पता है गाइस, मैं एक चीज़ बनाता है लॉन्ग नेक बना। तो ऑल राइट गाइस, हम वापस एक और बार आ ही चुके हैं हमारे यहाँ पे, हमारे स्पॉट्स पे जहाँ पे हमें ग्रिफिन टेम करना है। और मैं डालूँगा वापस इसको अंदर, और मैं वापस एक शॉट मारने का ट्राई करूँगा इसको। पहले मुझे एक काम करने दो, मुझे एक पैट, मतलब क्या बोलते हैं, केज लगाना पड़ेगा जिसके अंदर ये ट्रैप हो सके। कौन सा लूँ समझ में नहीं आ रहा भाई यार, उठने तो देता। मार दे तो मार दो, ये फंस गया है लगता है उधर। अगर मैं अभी उठ गया, अगर मैंने एक हीलिंग खा के खाली एक डार्ट मारा ना, फिर मुझे खाली देखना है कितना टॉर्च पर चढ़ता है उससे भाई, बस एक डार्ट मारना है इसको। दो लाख जैसा मेरे को लगा था, 2 लाख। अरे भाई यार 2 लाख चढ़ गया है उसके बाद भी यार, 2 लाख चढ़ा दिया है टॉर्चपोर उसको यार, मजाक मत करो यार प्लीज। मार मत, खाली तू उठने दे मुझे, खाली उठने दे, मैं तेरे को एक और मारूंगा उसके बाद तू मुझे मारियो। बस तू आसपास घूम मेरे, बस तू भाई मेरे आसपास घूम यार, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरे को केज में डालेगा साले, रुक बहुत उछलता है ना तू, रुक मैं तेरे को केज में पकड़ के डालता है, रुक। मैं जैसे उठूंगा मैं, भाई हो गया था, बस होने वाला है, बस मत मार यार। अरे भाई छोड़ दे यार, किसी और को पकड़ ले,
किसी और को पकड़ ले प्लीज़, इतनी हेल्थ रहने दे, इतनी हेल्थ रहने दे भाई, इतनी हेल्थ रहने दे। मैं बस 6 स्पैम करे जा रहा हूँ, जैसे ही उठूँगा मैं हीलिंग पोशन खा लूँगा भाई। प्लीज़ प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे प्लीज़। अरे छोड़ दे बब्बू, हमको छोड़ दे, अरे हम मल जाएंगे बब्बू, हम मल जाएंगे। यही है ना टेमी साला, इसके टॉर पर उतर रहा है, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। अरे भाई हो गया बबुआ नॉक, तू हो गया बबुआ, तू नॉक। अरे बेटे मौज हो गई रे मौज, वाह स्टैट्स, मेले डैमेज ही रिसेट हुआ, मेले डैमेज ही रिसेट हुआ तुम्हारा। फाइनली एक ग्रिफिन तो मिला, चलो देखते हैं ये इसको, ये कितना टॉर्च पड़े, कितना भाई मजाक हो रहा है। दूसरा कहाँ था, बीटा टेमिंग ग्रिफिन, अगर देखें अगर मैं इसको कर पाया। पहले मैं इसकी हेल्थ में पॉइंट दे देता हूँ सारे के सारे भाई। का ये तो टट्टी निकला, कतई लेवल का टट्टी है भाई। ये है ना बीटा टेमिंग ग्रिफिन, ओके इसको हम भाई, ये ग्रिफिन 900 900 का दे रहे हैं भाई, मैं कुछ नहीं दे पा रहा इनको, इनको मैं बाहर लेके जाता है। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, तुम लोग बाहर आ जाओ। भाई मेरा कितना कटी है, सच में कटी निकला यार, मेरे पास 5 एरो बचे हैं और इसमें ये कौन सा है, फायर होनी चाहिए भाई। कॉल को चढ़ा यार, चढ़ा ऐसे तो मत कर, तेरी तो मैं बैंड बजाता हूँ, रुक आ जा। मेरे को यहाँ पे नहीं गिराना है इसको, प्लीज यहाँ पे मत गिरियो, प्लीज यहाँ पे ही गिरना था साले को। अगर किसी ने भी चूँ चाकी इधर तो मेरा ये ग्रिफिन मर जाएगा, एंड आई डोंट वॉन्ट टू डाई माई ग्रिफिन भाई। प्लीज़ मत मारना रे कोई भी इसको, प्लीज़ बेजुबान है बेचारा, मत मारना कोई भी, प्लीज़ मत मारना। बस मैं 1 सेकंड में कीबल लेके आया हूँ यार, बस मुझे 1 सेकंड तो मैं कीबल लेके आया यार। कीबल मैंने पहले क्यों नहीं बनाई, जल्दी 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 जल्दी। हाँ तू मुझे फॉलो करते आ जा, भाई अगर किसी ने मार दिया होगा तो यार बहुत दुख होगा यार। प्लीज़ कोई किसी ने उसको मारा ना हो, मेरे इतनी नुबड़े वाली हरकत क्यों करता हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं इतनी नुबड़े वाली हरकत क्यों करता हूँ।
मैं इतनी नुबड़ो वाली हरकत क्यों करता हूँ यार। प्लीज स्टैट रिसेट ना हुए हों। ओ बेटे स्टैट रिसेट नहीं हुए रे, मजा आ गया। एक बार में 8,000 टॉर्च पॉट, 10,000, 11,000, 12,000, बढ़ ही रहा है भाई, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ये है ग्रिफिन अपना। तो गाइस ये अपना मेन ग्रिफिन रहेगा, वो सेकेंडरी ग्रिफिन रहेगा। अगर अपने साथ कोई खेलने आता है इन फ्यूचर में, जैसे लूसी भाई बोल रहे हैं वो आने वाले हैं, ठीक है, और तो उनको उनको गिफ्ट करेंगे और उनके लिए भी एक ले लेंगे तब तक के लिए। तो गाइस अभी मैं इसको लेवल अप कर लेता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे वो डायनोस को टेम करने के लिए जो हमें एग फार्म के लिए चाहिए। ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ आपसे बस थोड़ी सी देर में, क्योंकि भाई सबको लेवल अप करने में बहुत टाइम लगने वाला है और क्लिक देखते देखते देख, आप बोर हो जाओगे। इससे अच्छा मैं लेवल अप कर लेता हूँ और तब तक डायनोस भी ढूंढ लेता हूँ। तो एटलीस्ट हम बीटा डायनोस को तो टीम कर ही सकते हैं हाल फिलहाल के लिए, पर अभी मैं टीम नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरे सारे वो हो जाए उसके बाद मैं टीम करूँ। ये देख रहे हो मोरलो चौफ मेटल वाला, बीटा स्टोन, टेलीपोर्टर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, इसको टेम करके देख लेते हैं, ये अंडे देता है तो ठीक है। नाइटमेयर की बल है ना ये, आई डोंट नो ये अंडे देता है कि नहीं देता, पर टेम कर लेने में अपना क्या जा रहा है। तो नाइटमेयर वाला भी हो गया, आई थिंक ये अंडे देता होगा। तो गाइस मिलता हूँ थोड़ी सी देर में लेवल अप करने के बाद इन सबको। तो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से उसी एपिसोड में, बिकॉज अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, आई रियली नो दैट। तो गाइस जो भी बंदा नया देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही सही टाइम है आपको सब्सक्राइब करने का। अगर आपको कुछ मोड्स के बारे में कुछ जानना हो, कुछ सीखना हो, कुछ समझना हो, अगर आपको इन्फो चाहिए हो तो हमारे चैनल पर आपको ऑल सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको मेगा मॉडेट सीरीज़ भी देखने मिलेगी, आपको मॉड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको अगर कोई मॉड्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो वीडियोस भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर आर्क से कोई भी रिलेटेड कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो सब चीज़ों का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। लाइव स्ट्रीम भी होती है, आर्क ऑफिशियल भी खेलते हैं, पीवीपी भी खेलते हैं, एवरीथिंग। और जल्दी से जल्दी गाइस वनीला भी स्टार्ट होने वाला है, और गाइस मैंने इसको लेवल अप कर दिया है। और गाइस जो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि गाइस के वो ब्लरी दिख रहा है, ग्राफिक अच्छे नहीं दिख रहे, तो वो अभी आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देख रहे हो वो आपको, ये मैप का ग्लिच है। तो इसमें मैं शायद 90% देखो देखो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इधर ब्लू है, जैसे आगे जाऊँगा तो वाइट हो रहा है, ठीक है। और जो सामने जो फॉग जैसा दिख रहा है ना, उसमें ये मैप का पैच नहीं आया है नया वाला, मैप में नया वाला। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई मेरे ग्राफिक्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो लोग बोल रहे हैं ग्राफिक्स में दिक्कत नहीं आ रही है, आर्क का जो नया अपडेट आया ना उसकी वजह से बहुत ऐसे बग्स एंड ग्लिचेस आ गए हैं वापस नए वाले, जिसकी वजह से भाई ग्राफिक्स में दिक्कत आ रही है। भाई मैंने एपिक करके देखा, आर्क अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देखा, ठीक है, तो बहुत कुछ ट्राई करके देखा पर नहीं हो रहा है। और फाइनली चलो अभी हमने लेवल अप तो कर दिया है, इसको दिखा देता हूँ इसको टॉर पर कितना देता है। 31,000 तो ऑलमोस्ट एक हिट में दे देता है, ठीक है। और मैंने ज़्यादा अभी तक इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि 8,000 तो हम किसी को हेल्थ उसकी नॉर्मल होती ही होती है, जैसे ये अर्थ, ठीक है, तो हम इसको मार के देंगे तो टोटल ऑलमोस्ट 50,000 भी दे देता है आराम से, 60-70,000 टॉर पर दे देता है। तो हमें स्टार्टिंग के लिए इतना बहुत है हमारे लिए, सच बताऊँ बहुत इनफ हो गया। तो गाइस अभी हमें नाइटमेयर के लिए डायनोस चाहिए जो हमें ट्राई करने होंगे। किसके लिए? हाँ किबल्स के लिए चाहिए हमें, तो हमें किबल देख लेता हूँ। किबल ख़त्म हो गई, कहाँ गई? अच्छा मैं मर गया था नहीं शायद। तो गाइस एक काम करता हूँ, मैं डायनोस को सर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो बस यू गया और यू आ गया। तो गाइस हमें फाइनली एक डोडो मिला है जो वैम्पायर वाला है, जो नाइटमेयर किबल से टेम होता है। पर यहाँ पे तो भाई हर जगह भसड़ मची हुई है, अभी इतनी जगह पे मैं क्या ही टेम करूँ, क्या टेम करूँ गाइस यार। इधर तो अरे साले, हरामी,
एक को मारो तो दूसरा तैयार, दूसरे को मारो तो तीसरा तैयार, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है लोगों को। हरामी कौन सा है तू? मेरे को तो डोडो से मतलब है भाई, डोडो चाहिए मेरे को अच्छा वाला। भाई आजा तू जमीन पे, आजा खाली तू जमीन पे आजा रे। जमीन पे आजा। मेल हो के फीमेल हो आई डोंट केयर, मुझे बस तू चाहिए रे, मुझे तू अंडे के लिए चाहिए। आजा कोपचे में आजा। डोडो डोडो, ये कौन सा है? बीटा क्लोनर। अरे भाई साहब अर्थस्टॉर्म। अरे भाई भाई क्या ही दिक्कत है भाई इधर तो। अरे इधर कोई मैंने रिसोर्सेस वाला भी देखा है। डोडो कहाँ है वो? अरे यार छोड़ ना यार, तू जुम्बाई से पड़ा है मेरे। ढिलो है जैसे अल्टीमेट है भाई, भाग लो रे इधर से। ओ भाई मेरे को नहीं जाना है इधर, मैं नहीं जा रहा। ओ भाई अल्फा रिएक्टिव। तो गाइस नेक्स्ट डायनो के पास पहुंच के उसके बाद वापस मिलते हैं, क्योंकि हमें तो गाइस फाइनली एक और डायनो हमें मिल चुका है जो कि यह है रिसोर्सेस वाला। गलती से मैंने डार्ट मार दिया जल्दबाजी में, कतई जल्दबाजी मुझे हुई है। और ये है उसका रिसोर्सेस की बल से टेम, तो फाइनली इसको भी टेम कर ही लेते हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हाँ मैं ये बता रहा था कि अगर मान लो अगर आपको रिसोर्सेज की बल से कोई डायनो टेम करना है तो आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिस्टल वाली कोई चीज़ हो सकती है, जो भी रिसोर्सेज वाले रिसोर्सेज जिससे जुड़े हों, जैसे मेटल हो गया, स्टोन हो गया, उस तरह के आप डोडो सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपको स्टोन वाला डोडो मिल जाएगा, मेटल वाला डोडो मिल जाएगा, और डिलो चाहिए तो आपको स्टोन वाला डिलो भी मिल जाएगा, लाइस्ट्रो भी मिल जाएगा। पर मैं डोडोज ज़्यादा अच्छे प्रीफर करता हूँ क्योंकि डोडोज जल्दी एग देते हैं सबसे। और जो नाइटमेयर है, नाइटमेयर में अभी मुझे दो कैटेगरी पता है। ठीक है, एक है वैम्पायर, वैम्पायर में आप रैप्टर भी टेम कर सकते हो, जो कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में लास्ट सीरीज के ओमेगा के हमारे फर्स्ट एपिसोड में किया था, जो कि अच्छे खासे अंडे देता है। और प्लस दूसरा है बूगी मैन। ठीक है, बूगी मैन का अभी मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है वैम्पायर वाले मतलब नाइटमेयर वाले का, पर इतना मैं कह सकता हूँ ये दो कैटेगरी है, पर उसमें से आप वैम्पायर में जा सकते हो जो अगर आपको एग के लिए चाहिए तो, एग फार्म के लिए चाहिए तो। और अभी हमारे पास नेक्स्ट डायनो है हमारा, किस चीज़ का है वो? अनस्टेबल का तो देखना पड़ेगा, वॉयलेंट। ओके तो गाइस इसका मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ और वहाँ पे पहुँच के मिलता हूँ फटाफट, क्योंकि आज कुछ भी करके हमें फर्स्ट टीयर को कंप्लीट करना ही है। तो गाइस एक मुझे मिल चुका है वॉल, जो क्या बोलते हैं अनस्टेबल वाला एक कैरेक्टर होती है। अनस्टेबल में भी दो कैरेक्टर मतलब दो कैटेगरी मिली है, एक तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, जो अगर जितना आप उसको डैमेज दोगे उतना आपको डैमेज रिटर्न में देगा और ऑलमोस्ट आपको मार ही देगा। ठीक है, तो उससे पंगे लेना बहुत बड़ी बुरी बात है। और दूसरा है वायलेट करके कुछ है, जो मुझे अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो सॉरी, पर उसको आप टेम कर सकते हो। और इसमें अभी डोडो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ये लाइस्ट्रो मिला है तो मैं लाइस्ट्रो टेम करने जा रहा है बड़ी ही शिद्दतों से। कौन सा वाला है रे? ये वाला नहीं है, क्योंकि उसको उंगली करूँगा तो वो मीटियर गिराएगा, तो मुझे शांति से प्यार मोहब्बत से इसको ही टेम करना है। ठीक है, बाकी सब भागो, आई रियली डोंट केयर। अनस्टेबल की बल से टेम होगा। तो गाइस आज हमारा फाइनल इसको टेम करते साथ हमारे सारे फर्स्ट ईयर के डायनोस कंप्लीट हो चुके हैं। ये फीमेल ही है, बोला था मैंने। आजा अंदर, आजा जल्दी जल्दी जल्दी, निकल जल्दी। मुझे ऊपर ले। गाइस आज हमारे सारे के सारे फर्स्ट ईयर के डायनोस कंप्लीट हुए। हमने एक नेक्स्ट ईयर का एक नया ग्रिफिन पकड़ा, जो कि टॉर्पोर देने में काम आएगा, जिससे हमारी टेमिंग एकदम इजीली हो जाएगी सारी की सारी। और कॉलोसस वाले डायनोस आप गाइस मुझे बताओ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आई डोंट नो ये वीडियो में कब डालने वाला कब नहीं डालने वाला हूँ, पर अगर ये वीडियो डाल दिया है और इसके बाद अगर मैंने जो सवाल पूछा है अगर वही वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो भाई सच में भाई मेरे बीटा वाले तो भाई अल्टीमेट मेटल मेगापिथिकस मेसियोपैथिकस रिएक्टिव
मेरे को एक चीज़ ये पूछनी है कि यहाँ पे एक मेगलाडोन थी जो टेमिंग वाली थी, ठीक है, ये रही टेमिंग वाली एक मेगलाडोन है जो कि यूटिलिटी केबल से टेम होती है और हमारे पास इजीली अवेलेबल है वो केबल, तो हम वाटर का एक मेगलाडोन टेम कर ले जिससे वो भी टॉर्पोर देने में आसानी होगी, क्योंकि आगे जाके हमें कोई ना कोई वाटर डायनो तो टेम करेंगे ही करेंगे, तो ये हमारे पास पहले से प्रायोरिटी में होगी जो टॉर्पोर देगा पानी में, मतलब समझ लो पानी में टॉर्पोर देने वाला भी एक डायनो हमारे पास होना चाहिए, और लैंड में और हवा में टॉर्पोर देने के लिए हमारे पास ग्रिफिन हो जाएगा। और इसके बाद इधर ही कहीं एक थी वो मेगलाडोन, किधर गई रे, हाँ ये रही कोलोसस वाली मेगलाडोन भी हमारे बेस के पास ही स्पॉन हुई है। तो गाइस मुझे बताओ मिथिकल केबल भी हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की सारी केबल हो चुकी है। मैं ऑफ कैमरा में सबके पैर टेम कर लेता हूँ, ठीक है। अल्फा कोलोसस मेगलाडोन भी हुई है गाइस, हम शायद अल्फा वाले में भी जा सकते हैं, अल्फा कोलोसस को भी टेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आई डोंट नो ये वीडियो कब डालने वाला हूँ कब नहीं, ठीक है। तो आपको पता है आज की वीडियो में हमने दो ग्रिफिन टेम किए थे, एक नॉर्मल था एक ये वाला था, रैप्टर कहाँ से आ गया, रैप्टर को मारना पड़ेगा, नॉक बैक। और ये कौन सा है, बीटा विंडस्टॉर्म, ये भी सो गया। भाई 1.5 लाख है मंकी का टॉर्पोर, सुला रहे सो जा, छोड़ो इसको तो सुलाते रहेंगे। तो गाइस आई होप आपको ओमेगा सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि देखो गाइस मैं नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ आपको, बता इसलिए रहा हूँ ज़्यादा, ताकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ओमेगा मोड अभी तक खेला भी नहीं है, ना उनको पता है कुछ चीज़, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है कि मैं इतना सब कुछ आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो भाई मुझे कमेंट में बता देना कि भाई आप इतना सब मत बताओ, आप बस मोड खेलो, वीडियोज़ लाओ, बस इन्जॉय करो, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद है कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ तो भाई प्लीज़ बता देना, तो मैं नहीं बोलूँगा, ताकि जो जो आपको पसंद होगा वो मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई मैं नॉलेज दूँ आपको, सिखाऊँ कि बताऊँ कि और बताऊँ, मतलब डीपली बताऊँ, नॉलेज दूँ कि किस तरह से क्या टाइमिंग होती है, किस तरह से आप एग फार्म बना सकते हो। हाँ गाइस जल्दी ही जल्दी एग फार्म भी मैं बनाने वाला हूँ, वहाँ पे सारे डायनोस ओपनली रखूँगा ताकि आपको पता चल सके कौन से डायनो से कौन सा एग मिलेगा और कौन से एग से हम कौन सी केबल बना पाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलना, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि हर एक बंदे का ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है। और गाइस जितना जल्दी हो सके, ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 14 दिन बचे हैं मेरे पास, मैंने जब फ्री फायर का लाइव स्ट्रीम किया था उसके एक दिन के बाद ही ये सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 बजे, ठीक है। आई डोंट नो कब अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि अभी भी प्राइमल फेयर के 2 एपिसोड बचे हुए हैं, ये 2 एपिसोड में प्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका फर्स्ट एपिसोड भी प्री रिकॉर्डेड है, सेकंड वाला भी ये भी प्री रिकॉर्डेड ही है। आई रियली डोंट नो कब ये एपिसोड आएगा, पर जैसे ही आए भाई प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, दबा के सपोर्ट करो, बिकॉज आई रियली डोंट नो भाई हमारे हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर मुझे आप पे भरोसा है आप करवा दोगे, तो यार प्लीज़ करवा दो। मेरी खाली आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, दबा के शेयर करो, सपोर्ट करो। और गाइस प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि फेक सब्सक्राइबर मतलब फेक अकाउंट से सब्सक्राइब प्लीज़ मत करो, YouTube रिमूव कर रहा है, और ज़्यादा करोगे तो मुझे मतलब गाइडलाइंस के थ्रू मतलब मुझे रेस्ट्रिक्शन आएगा, तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ज़्यादा, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। जेन्युइन बंदों को बोलो, फ्रेंड्स को बोलो, फैमिली से सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, बस करवा दो अब तो, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, पीस आउट, बाय गाइस, बाय 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 बाय।